दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में विद्यापति सेवा संस्थान की तरफ से 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यापति की प्रतिमा पर मालार्पण करके और दीप जलाकर किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के हिसाब से पाग और चादर से किया गया। समारोह के उद्घाटनकर्ता पीएचडी मंत्री ललित यादव, मुख्य अतिथि मंत्री मदन सहनी थे। साथ ही नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई जन प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। ये 50वां स्वर्ण जयंती समारोह आज के स्वर्ण जयंती समारोह में उद्घाटनकर्ता के रूप में हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि अपने ही मिथिला में हमारे महान कवि विद्यापति जी थे और उनका इतना धूमधाम से बैजू बाबू विद्यापति पर्व समारोह मना रहे हैं। इसके लिए विशेष करके भैया बाबू हम लोग को निमंत्रण दिए, आमंत्रण दिए, ये शुभ अवसर दिए उद्घाटन का, इसके लिए भैया बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यापति जी हमारे महान कवि थे और उनके स्मरण में जितना भी हम लोगों का जितना भी आना पड़े इस कार्यक्रम में तो बहुत कम। विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से आदरणीय बैजू बाबू के द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई है। हुनका लगातार मिथिला के विकास के लिए सरकार से और पूरा मिथिला के लोग से मिल करके काज करी छथिन आ हमरो सबके अवसर पर आवे के मौका दिलखिन। इनका धन्यवाद दै छी हमसब और इस क्षेत्र के विकास के लिए इनका बहुत योगदान छै। पूरा टीम के छै ताहि दुआरे हमसब हिनका पूरा सपोर्ट में रहै छी और आगे जे भी कार्यक्रम होते जे भी मिथिला के विकास के लेल काज होते ओ सब हमसब करब। कार्यक्रम में 34 लोगों को मिथिला विभूति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साथ ही स्मारिका प्रकाशन भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। नवंबर को शुरू हुआ ये समारोह 8 नवंबर तक चलेगा। इस समारोह का उद्देश्य मिथिला की गौरवशैली परंपरा और धरोहर से आम जन को अवगत कराना है। समारोह की तैयारियां लंबे वक्त से चल रही थी। बिहार सरकार ने कवि कोकिल विद्यापति के निर्वाण दिवस को राजकीय पर्व के रूप में घोषित किया है।